नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, आओ वास्तु सीखें। इस श्रृंखला में आपने बहुत कुछ जाना है, भूमि परीक्षण से लेकर के और भवन निर्माण तक आपने जाना है। लेकिन आज हमारे सामने एक ऐसे व्यक्ति का नक्शा हमारे सामने आ गया, जिन्होंने व्हाट्सअप करके पूछा है कि ये नक्शा कैसा है। देखिए, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वास्तु के अंदर जो मकान का जो भूखंड होता है, प्लॉट होता है, वो उसकी चौड़ाई से और उसकी गहराई वो डेढ़ी हो सकती है, बहुत उत्तम होता है, दुगनी हो सकती है, मीडियम होता है, लेकिन उससे अधिक अगर उसकी गहराई है तो वो ठीक नहीं होता। और इसी प्रकार का एक नक्शा जो कि संपूर्ण रूप से मकान बना हुआ है, वो अभी मैं आपके सामने जो है प्रस्तुत करूंगा, उसको दिखाऊंगा, उसमें क्या दोष है और वो दोष कैसे ठीक हो सकता है, आओ इस बात को जानते हैं। तो ये देखिए, ये नक्शा है। अब इस नक्शे के अंदर ये जो प्लॉट है, ये प्लॉट इधर ईस्ट है, ये नॉर्थ है, यहाँ पर वेस्ट है और ये साउथ है। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, इन दिशाओं को आप अच्छी तरह से समझते हैं। अब यहाँ पर ये प्लॉट 17 फुट चौड़ा है और 85 यानी 85 फुट गहरा है, यानी 5 गुना इसकी गहराई हो गई। देखिए, वास्तु के अंदर बहुत से ऐसे सूत्र होते हैं, ऐसी जानकारियाँ होती हैं कि प्लॉट बहुत बढ़िया है क्योंकि ईस्ट फेसिंग है, यहाँ से इसका मुख्य द्वार है और ये मुख्य द्वार के अंदर आदमी यहाँ से एंटर होता है और यहाँ इनकी एक शॉप है, ये शॉप बना रखी है बाहर दरवाजे के बाहर, अर्थात रास्ते के ऊपर ये शॉप है। शॉप ठीक है लेकिन इसके अंदर 1, 2, 3 और ये 4 क्रमशः एक लाइन के अंदर 4 दरवाजे बने हुए हैं और ये 4 दरवाजे नहीं होने चाहिए, 3 दरवाजे भी नहीं होने चाहिए, 2 दरवाजे उचित हैं, उत्तम हैं, शुभ फलदायी होते हैं। तो एक तो इसके अंदर ये 4 दरवाजे अशुभ हो गए और इसके अंदर अब इन्होंने क्या बनाया है, उत्तर इन्होंने पूरी तरह से छोड़ रखा है, वो बहुत ही उत्तम बात है क्योंकि उत्तर खाली रहना चाहिए। यहाँ पर शॉप हो गई और शॉप के बाद में इन्होंने यहाँ पर ये बना दिया, यहाँ पर सीढ़ियाँ, जीना, ये भी दक्षिण दिशा के साथ में है, उत्तम है। यहाँ पर जो जो चीज़ें बनाई हैं, हैं सब उत्तम, लेकिन उत्तम होने के उपरांत भी अब यहाँ पर ये टॉयलेट हो गया, यहाँ पर ये डाइनिंग रूम हो गया और यहाँ पर ये ड्राइंग रूम भी हो गया, डाइनिंग रूम भी हो गया, ये किचन है और किचन के साथ ये बेडरूम है, ये बेडरूम है, 2 बेडरूम यहाँ पर इन्होंने बनाए। साउथ वेस्ट में बेडरूम, मास्टर बेडरूम बहुत ही उत्तम होता है, बहुत ही ठीक होता है, उचित होता है। लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है कि ये प्लॉट 85 फुट गहरा है और 17 फुट मात्र ही ये चौड़ा है। अब इसमें 17 गुना 34 तक तो हो सकता था, फिर दूसरा 34 तक हो सकता था, लेकिन फिर भी 34 और 34 68 जो है फुट होता है, लेकिन उसके उपरांत भी ये ज़्यादा हो। तो ऐसी स्थिति के अंदर इसको कैसे सुधारा जा सकता है, ये वास्तु का काम है। चीज़ भी ना टूटे और बनी की बनी रह जाए और इसके अंदर सुधार भी हो जाए। तो अब वास्तु हमें रास्ता देता है, वास्तुविद हमें रास्ता देते हैं, हमारे ऋषि मुनि हमें रास्ता देते हैं कि ऐसा अगर प्लॉट है तो उसको 3 भागों में विभक्त कर देना चाहिए। 3 भागों में विभक्त अब कैसे करें, प्लॉट तो एक ही है। तो यहाँ पर बैंड डाल करके, कॉपर का तार यहाँ पर आप डाल करके एक भाग यहाँ पर, यहाँ पर पायरा स्ट्रिप भी आप डाल सकते हो, पिरामिड भी आप डाल सकते हो, 3-3 फुट के गैप में यहाँ पर पिरामिड डाल करके इस भाग को आप अलग कर दीजिएगा, ये भाग आपका अलग हो जाएगा। और अब दूसरा भाग जो है ये यहाँ पर ला करके और 1-3-3 फुट के अंदर पिरामिड यहाँ पर डाल करके, पायरा स्ट्रिप यहाँ पर डाल करके, कॉपर की तार आप यहाँ पर डाल करके एक भाग ये इसको अलग कर दीजिएगा। तो अब यहाँ पर ये 3 भाग के अंदर ये प्लॉट हो गया। ये पहला भाग था,
इस पहले भाग के अंदर जो इसका सेंटर आए उस सेंटर को ऊर्जित कीजिए, अर्थात वहाँ पर एक पावरफुल पिरामिड आप लगाइए, दूसरे भाग के सेंटर के अंदर उसको जो है पावरफुल पिरामिड लगाइए, और तीसरे भाग के सेंटर के अंदर आप एक पावरफुल पिरामिड लगाइए। तो इससे ये तीन भाग हो जाने के बाद ये पूरी तरह से ये शुद्ध हो जाएगा और गुणकारी हो जाएगा, लाभ देने वाला हो जाएगा, और उस चीज़ का आप जो है अपने जीवन के अंदर लाभ ले सकते हैं। इन बातों की जानकारी के लिए आप इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके हमारे कार्यालय से आप अपॉइंटमेंट लेकर के आप अपना नक्शा भी भेज सकते हैं, उसकी भी जानकारी आप ले सकते हैं। आप अपने साइट के ऊपर बुला भी सकते हैं, वहाँ का विजिट करवा करके उसका निरीक्षण करवा करके और उसको भी आप सुधार सकते हैं। और अगर आप के पास में आपका कोई नक्शा है जिस प्रकार से ये था उसी प्रकार का अगर कोई नक्शा आपके पास में है तो वो भी आप हमारे पास में व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। उसको हम प्रयास करेंगे, वादा नहीं करते, प्रयास करेंगे कि उसको हम यहाँ पर दिखा करके और उसको क्लियर कर सकें कि वो किस तरीके से जो है शुद्ध हो सकता है, किस प्रकार से वो जो है लाभकारी हो सकता है। तो इन सब बातों की जानकारी के लिए आप हमारे कार्यालय में संपर्क करके और अपॉइंटमेंट लेकर के और वहाँ की कार्यालय की कुछ सेवाएं हैं वो आप करके हमारी सेवाएं आप प्राप्त कर सकते हैं। तो वास्तु से, ज्योतिष से संबंधित सारी जानकारियां आपको प्राप्त हो जाएंगी। नमस्कार। इन सब जानकारियों के लिए हमने लिखी हैं ये तीन पुस्तक। एक पुस्तक है वास्तु के नियम और दूसरे नंबर की पुस्तक है जिसका नाम ही देख करके और व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, धन बरसे आपके द्वार शास्त्रों के अनुसार। इस पुस्तक के अंदर प्रैक्टिकल और सारी जानकारियाँ, नियम और उसके साथ साथ बहुत से पौराणिक और शास्त्रीय और वेद के उपाय भी इसके अंदर दिए हुए हैं। ये दो नंबर की पुस्तक और तीसरे नंबर की पुस्तक है। जितने भी वास्तु दोष होते हैं उन सारे वास्तु दोषों का निराकरण, रेमेडी, उपचार, उनके जो भी उपाय हो सकते हैं वो सब इन तीन पुस्तकों में हैं। तो इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क करके और इन पुस्तकों को मंगाइए और लाभ उठाइए। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.श्रीवशिष्ठ.com।